तो आज हिंदी सत्र में भगवान सिंह जी और उनके परिवार की शेयरिंग है। संक्षेप में बताया तो भगवान सिंह जी गणेश बागड़िया जी के साथ काफी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। जब वो चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय में अध्यापक थे गणेश जी, और उस समय से यहाँ पर जुड़ाव है। और आपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए लाइफ में कि पूरी तरह से ग्राम स्वराज के काम को लग के करना है, और उस क्रम में ही आपका परिवार धीरे धीरे जुड़ा। तो आज जो शेयरिंग होगी उसमें भगवान सिंह जी, पत्नी अरुणा परमार जी और बेटी, आप लोग शेयर करेंगे। और आज की शेयरिंग, क्योंकि हम लोग जो सुबह अभ्यास सत्र कर रहे हैं उसको लेकर है, तो आशा है कि अभ्यास एक और अभ्यास दो के जो 7 स्टेप्स हैं उसको केंद्र में रख के करेंगे। सभी को मेरा नमस्ते। चूंकि बेटी जाएगी स्कूल, इसलिए थोड़ा बेटी शेयरिंग करेगी और हमारी पत्नी अरुणा जी शेयरिंग करेंगी, इसके बाद मैं शेयरिंग करूंगा। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम संगमित्रा सिंह परमार है। मैं छतरपुर एमपी से हूँ और मैं करेंटली 6th क्लास में पढ़ रही हूँ और मेरी एज 10 इयर्स है। मेरे मम्मी पापा लास्ट 2 इयर्स से UHV मॉर्निंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी लॉकडाउन के टाइम में कर लेती थी, बट उसके बाद फिर स्कूल ऑफलाइन हो गए, इसी की वजह से मैं नहीं कर पाई। पर फिर स्कूल से आने के बाद या फिर फ्री टाइम में मम्मा के साथ या फिर पापा के साथ हम डिस्कशन भी करती हूँ। इसका मुझ पर इम्पैक्ट पड़ा है कि अब मैं अपनी बातें मनवाने की जगह सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करती हूँ, और इसके साथ मैं अब कंप्लेंट्स भी पहले से बहुत कम करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि अपने ऊपर ही इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कुछ दिन पहले PA1 एग्जाम के बाद फिर मैम ने, हमारी जो सोशल स्टडीज की मैम है, उन्हें क्लास में बच्चों से सजेशंस मांगे थे ताकि वो अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस ला सकें और बच्चों की परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आए। तब सभी बच्चों ने दूसरे पर ही दोष डाला, जैसे किसी ने बोला कि मैं शादी में चला गया था, किसी ने बोला मेरे ट्विटर अच्छा नहीं है। बट मुझे लगा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस की खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैंने मैम से वो सजेस्ट किया कि वो जो पढ़ा रही है उसे रेगुलरली रिपीट करें और बीच बीच से क्वेश्चन भी पूछे। ये रिपीटेशन की इम्पोर्टेंस मुझे मॉर्निंग सेशन से ही समझ आई आई। मैं अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने लगी हूँ। अभी पूरी तरीके से तो अनहेल्दी फूड बंद तो नहीं किया, बट कोशिश करती हूँ कि एक बार अगर कुछ अनहेल्दी खाया है तो नेक्स्ट टाइम फिर हेल्दी खाऊं कुछ दिनों तक। बस इतना ही, थैंक यू। बढ़िया बेटी जी, जी भैया नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते जी, जी मैं अपनी शेयरिंग आप शुरू रखिए करती शेयरिंग हूँ। जी जी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अरुणा सिंह परमार है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। UHV का ये मॉर्निंग सेशन हम 2020 से, सितंबर 2020 से परिवार सहित कर रहे हैं। शुरू में तो बच्चों की भी थोड़ा अच्छी स्थिति बनी थी, लॉकडाउन के समय पे ये कर पा रहे थे, पर अभी स्कूल जब से खुले हैं, ऑफलाइन हुए, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, ये कर नहीं पा रहे हैं। और मेरे साथ भी थोड़ा सा मैं चलते फिरते कर पा रही हूँ, पर उसके बाद भी ये मेरे लिए बहुत सार्थक है, इसलिए मैं कर तो रही हूँ, छोड़ती तो नहीं हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मॉर्निंग सेशन जो है UHV का या अभ्यास सत्र, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे मेरी बहुत अच्छी गति बनी है और इसकी मैं अभ्यास एक की अभ्यास सत्र की शेयरिंग में शुरू करती हूँ। इसका अभ्यास एक का स्टेप वन है, उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभ्यास एक में मैं चेतन इकाई का अध्ययन कर रही हूँ या मुझे कराया जा रहा है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे चेतन ने ही लगता है, स्वयं को समझना ही लगता है। और स्टेप एक में मैं देख पाती हूँ, स्वयं से स्वयं को देखने में मेरी
काफी स्पष्टता बनी है। मैं बहुत अच्छे से अपनी कल्पनाशीलता को उसमें चलने वाले इच्छा विचार आशा को देख पाती हूँ। स्टेप टू में मैं उसमें जो भी भाव विचार चल रहे हैं उनको देख पाती हूँ और स्टेप थ्री में मैं देख पाती हूँ कि जो भी भाव विचार चल रहे हैं वो सहज हैं या सहज नहीं हैं, जिनके कारण मैं सुखी या दुखी हो रही हूँ। तो मैं देख पाती हूँ कि इसका निर्णय जो है वो मेरा ही है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं जिम्मेदारी पूर्वक इन भाव विचारों को चलाती हूँ। तो इसमें मेरी काफी गहराई हुई है। पहले की अपेक्षा में लगातार ये मेरा पांचवा सत्र है जिसको मैं कर रही हूँ इसकी सेटिंग। और मैं अपनी स्थिति को बताऊं यहाँ तो मैं पहले से लगातार लगातार हर बार मेरी गहराई बढ़ रही है और मैं इसको बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ पा रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि जो ये निर्णय मैं ले रही हूँ अपने सुखी होने का या दुखी होने का, उसका जो विचार या जो कल्पनाशीलता में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय तो मैं ही लेती हूँ, ये मैं चौथे स्टेप में देख पा रही हूँ। पांचवें स्टेप में मैं देखती हूँ, अभ्यास एक के पांचवें स्टेप में देखती हूँ कि ये जो भाव विचार मुझ में चल रहे हैं जिसके कारण मैं सुखी दुखी हो रही हूँ और इसका निर्णय तो मैं ही ले रही हूँ, तो इसका आधार क्या है। तो मैं इसको, इसमें भी मेरी बहुत स्पष्टता बनी है कि इसको जब मैं सही समझ के आधार पे अब मेरा जितना जितना चल रहा है तो मैं अधिकांश समय सुखी हो पा रही हूँ। और जहाँ भी मेरा कोई मान्यता या संवेदना उससे चलता है तो मैं या तो उससे पहले ही समझ जाती हूँ कि ये कुछ गड़बड़ हुआ है और वो अपने आप ठीक होने लगता है, और या फिर कई बार तो रिएक्ट होने के बाद देखती हूँ। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी मेरी स्थिति हुई है, मैं समझ के आधार पे जो भी मुझे समझना है अपने सुखपूर्वक जीने के लिए स्वयं को जितना भी ये संपूर्णता में समझना है जितना जितना उसको समझ पा रही हूँ उस आधार पर मैं जितना ये निर्णय लेती हूँ अपने भाव विचार का, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है मेरी, ये मैं देख पाती हूँ। स्टेप सिक्स में मैं देखती हूँ कि मुझे स्वीकार क्या है। स्टेप सिक्स में मैं इसको देख पाती हूँ या मैं इसको पूछती हूँ अपने आप से, तो उसका प्रश्न का मुझे उत्तर मिलता है कि मुझे स्वीकार क्या है। तो मैं देखती हूँ कि मुझे संबंध ही स्वीकार है, व्यवस्था स्वीकार है, अब व्यवस्था स्वीकार नहीं है, मुझे सह अस्तित्व ही स्वीकार है और संघर्ष स्वीकार नहीं है। इस पे भी मेरी समझ काफी स्पष्ट हुई है। और स्टेप सेवन में मैं देखती हूँ कि मेरे भाव विचार में एक काफी स्थिरता आई है सही समझ के आधार पे, और मुझे स्पष्ट हो गया है कि मुझे समझना क्या है, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है मेरा इस, तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि ये मुझ में काफी स्टेबल हो रहा है, स्थापित हो रहा है और मेरे केंद्र में ये बना रहता है मेरे लक्ष्य में। मुझे संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का एक मेरे अंदर एक ध्यान काफी लंबे समय तक टिकने लगा है, ये मेरी स्थिति है। और अब मैं अभ्यास दो की बात करूंगी जिसमें मैं शरीर का अध्ययन कर रही हूँ, जो जड़ इकाई है उसका उदाहरण शरीर है। और इसके अध्ययन में मैं स्टेप वन में मैं देखती हूँ कि मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देखते हुए शरीर को देखने का अभ्यास कर रही हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इसे देख पा रही हूँ या उधर मेरा ध्यान जाने लगा है। स्टेप टू में मैं देखती हूँ कि जो भी शरीर और जीवन के बीच में, मैं के बीच में जो भी आदान प्रदान चल रहा है वो सूचनाओं का चल रहा है। और एक चीज और मैं जो स्टेप फर्स्ट में जोड़ना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि ये जो शरीर है और ये जीवन है ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, और ये अलग अलग वास्तविकताएं हैं इनको मैं इनकी क्रियाओं के आधार पर, जो उनके आधार पर देख पाती हूँ। सेल्फ में जो भी क्रिया चल रही है
वो निरंतर चल रही है, और जो शरीर में चल रही है वो क्षणिक चल रही है, इसको मैं देख पाती हूँ। और इसी आधार पे मैं इस बात को भी कह पाती हूँ कि ये दोनों अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं, और इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग हैं, और इनकी जो पूर्तियां हैं वो भी अलग अलग हैं, और इसी आधार पे इन दोनों वास्तविकताओं को हम अलग अलग देख पाते हैं। इनके बीच में जो सूचना का जो आदान प्रदान हो रहा है, सूचनाओं का हो रहा है, इसमें कोई भी मटेरियल वस्तु इसमें नहीं है जिसका आदान प्रदान हो, सिर्फ संवेदना देने का काम, संवेदना को शरीर से संवेदना को पढ़ने का काम शरीर सेल्फ के द्वारा होता है, और अपने निर्णय के आधार पे वो शरीर को संकेत देता है, और उस आधार पे हमारा आचरण या व्यवहार निश्चित होता है, जो भी है वो निर्णय हम लेते हैं। और अभ्यास तीन स्तर तीन में हम देखते हैं कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय तो मेरा ही है, मैं चाहूँ तो मैं इन सूचना को पढ़ूँ, इस संवेदना को पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, ये मेरी चॉइस है, ये मुझे दिखता है, क्योंकि संवेदना तो शरीर में हो रही है, पर हर संवेदना को सेल्फ नहीं पढ़ता है, इसको मैं कुछ कुछ मेरा इस पर ध्यान जाने लगा है, मैं जिसको देख पाती हूँ, मेरे जैसे दांत में दर्द है, और यदि उसके बाद दूसरी संवेदना आ जाती तो वो दांत का दर्द में दर्द तो बना हुआ है पर वो थोड़ा मुझे भूल सा जाता है, ये मैं कभी कभी मुझे ऐसा महसूस तो होने लगा है, मैं इसको देख पाती हूँ। तो स्टेप थ्री में मैं देखती हूँ कि ये जो संवेदना को पढ़ने का निर्णय है वो सेल्फ का ही है। स्टेप फोर में मैं देखती हूँ कि मैं संवेदना से दूर होते हुए भी निर्णय पूर्वक संवेदना को पढ़ता हूँ, मैं संवेदना हूँ, मैं संवेदना में हूँ, संवेदना से मेरी दूरी है, ये भी मुझे इसमें भी मेरी थोड़ी स्पष्टता बनी है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना मैं भी नहीं हूँ, और संवेदना से मेरी दूरी है ऐसा मुझे समझ में आता है, और संवेदना से दूरी होते हुए भी मैं अपने निर्णय के अनुसार संवेदना को पढ़ता हूँ, ये यहाँ भी मेरी थोड़ी गति हुई है। स्टेप फाइव में मैं स्टेप फाइव जो है उसमें मैं अपनी संवेदना को, जो संवेदना मुझे मिल रही है उसको जो मैं अर्थ देती हूँ, उसका निर्णय तो सेल्फ का ही होता है, मैं देखती हूँ कि जो भी प्रभाव मेरे ऊपर होता है उन संवेदनाओं का, उनको अर्थ देने का काम मेरे द्वारा ही, मेरे संस्कारों के द्वारा ही मैं देती हूँ, और उसके आधार पर मैं ये निर्णय करती हूँ, निर्णय पूर्वक एक संकेत शरीर को देती हूँ, और उसके आधार पर हम एक जो बाहर है उसको, अभी तो जब से मैंने ये मॉर्निंग सेशन किया है UHV का, तब से एक सार्थकता के आधार पे मैं बाहर से जो संवेदना मुझे प्राप्त होती है उसको मैं अपने सेल्फ से, अपने संस्कार से एक अर्थ देते हैं सही समझ के आधार पे, और उस पे एक जो सार्थकतापूर्ण व्यवहार है उसको मैं बाहर करने का प्रयास करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि उसी के सही समझ के आधार पर जितनी मेरी बनी है मैं बाहर सामने वाले व्यक्ति का कोई भी व्यवहार हो, उसका कोई भी स्वभाव हो, किसी भी तरह का संवेदना, उसका प्रभाव मेरे ऊपर तो अब नहीं पड़ता है, और मैं सार्थकता में उसका उपयोग करती हूँ, उस संवेदना का उसको अर्थ देती हूँ, और फिर उसका मैं बाहर उसका सार्थकता में मैं ये देखती हूँ, उसका आकलन करती हूँ, और उसके साथ मुझे किस तरीके से
संबंध या परस्परता में उसको कैसे सहयोग करना है, इसको मैं सार्थकता में कर पा रही हूँ और ये गति मेरी, मैं उससे कनेक्ट होती हूँ, उसके सहयोग उसके परिमार्जन के लिए जितना भी मैंने समझा है उतना मैं उसका सहयोग कर पाती हूँ, ऐसा इस अभ्यास सत्र से मेरी समझ बनी है। पहले तो इससे पहले मैं कोई भी संवेदना या प्रभाव या दबाव आता था तो जब मेरी समझ सही नहीं थी, मैं मान्यता या संवेदना के मान्यता या संस्कार के आधार पर कोई अर्थ देती थी तो मैं उस पर रिएक्ट हो जाती थी या मैं दुखी या सुखी होती थी। लेकिन अभी ये मुझे स्पष्टता, ये दोनों अभ्यासों को करने से, काफी लंबे समय से करने से, उससे भी पहले हम इन चीजों को समझने में लगे थे, तो ये मेरी एक समझ बनी है कि अभी जो भी प्रभाव बाहर से आ रहा है उसको मैं पढ़ती हूँ, उस संवेदना को, और उसको अपने निर्णय के आधार पे, अपने संस्कार या सही समझ के आधार पे, सही संस्कार के आधार पे एक अर्थ देते हैं, निर्णय पूर्वक संकेत देते हैं शरीर को, और उस तरह से वो अव्यक्त होता है और काफी अच्छा इसका प्रभाव है। कभी कभी धोखा भी हो जाता है आकलन में, अभी पूरा तो एकदम स्पष्टता नहीं आई है तो उसका रिएक्शन भी होता है और तब मैं अपने आप को वहां पे ठीक भी कर पाती हूँ, पर उसमें मैं सुखी दुखी नहीं होती हूँ, ये तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। स्टेप सिक्स में मैं अपनी जिम्मेदारी को, अपनी प्रतिक्रिया या अपनी अनुक्रिया को देख पाती हूँ कि मैं किस तरह से जिम्मेदारी पूर्वक मैं स्वयं में एक परिमार्जन इस अभ्यास सत्र के माध्यम से हो रहा है और किस तरह से मैं बाहर इसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर रही हूँ, प्रतिक्रिया कर पा रही हूँ वहाँ या रिस्पॉन्स कर पा रही हूँ। सिक्स में मैं देखती हूँ कि जब मैं मान्यता पूर्वक इसको पहले करती थी तो ये रिस्पॉन्स मेरा, ये मेरा रिएक्शन में जाता था, कभी रिस्पॉन्स हो जाता था कभी रिएक्शन, पर अभी जब से मेरी समझ बनी है इस स्टेप एक को करके, अभ्यास एक को जैसे जैसे मैंने गहराई से समझा है, अभ्यास दो में मेरा काफी अच्छा वो आ रहा है सार्थकता में और मैं मेरी अच्छे से समझ भी बननी है, मैं अपने आप में सुखी रहते हुए बाहर भी इस दूसरे के सुख के स्रोत के लिए मैं काम कर पा रही हूँ। और अभ्यास दो के स्टेप सेवन में शून्य के लिए जो मेरी समझ बनी है वो अभी पूरी नहीं है, पर एक जो मेरे पास प्रस्ताव है जो जिसको मैं बार बार अपने में जांचती हूँ, ध्यान देती हूँ, देखने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है, अभी थोड़ा थोड़ा महसूस होता है या नहीं होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शून्य में हूँ, मेरा शरीर भी शून्य में है और शून्य भी एक अलग तरह की वास्तविकता है और इन तीनों वास्तविकताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, समझ के लिए प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो भी मेरे द्वारा और शरीर के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है ये शून्य के माध्यम से हो रहा है और मैं इसको अपने में, यह विचार मेरे में चलता रहता है, अभी इसमें और मेरी स्थिति ज्यादा नहीं बनी है, इतना ही मैं देख पाती हूँ इसको, इन स्टेपों को मैं अपने में अच्छे से देख पाती हूँ। पहले, इससे पहले की जो मेरी स्थिति थी वो सबसे शुरू में मुझे, जब मैंने अभ्यास सत्र शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे, मेरे लिए देखना थोड़ा मुश्किल था इन सब चीजों को, पर धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से, इतना अच्छा तरीका है अभ्यास सत्र का कि, और सरल है कि, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अब देख पा रही हूँ, ये मेरी स्थिति बनी है आज मैं कह सकती हूँ। पहले मेरे अंदर शिकायत का भाव बना रहता था, मुझे लगता था कि वो समाज में ऐसी समस्या है, इस कारण से मेरा दुख है, और पर अभी मुझे ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्वक मैं देख पाती हूँ
कि ये सारी समस्या मेरे अंदर है और ये समाधान में बदली है, शिकायत से मैं मुक्त हुई हूँ। भय और भ्रम में भी मेरी काफी स्पष्टता आई है। पहले मुझे जब मैं समझती नहीं थी, शरीर के एक चित्र को देख के, प्रतिबिंब को देख के ही मैं मेरा जीना हो रहा था, और जब भी मैं दुखी होती थी तो मैं शिकायत से भर जाती थी। कभी बाह्य प्रभाव किसी के व्यवहार को लेके या किसी वातावरणीय प्रभाव को लेके, कभी गर्मी ठंडी को लेके मुझे लगता था कितनी ठंड है, क्यों है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया या बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक बड़ी उलझन सी जो मैं जिसमें फंसी रहती थी। बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता था और काम का कोई अंत नहीं दिखता था। मुझे लगता था कि अब ठंड आ रही है तो उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे कपड़े होना है, बच्चों को दिन भर ये करना वो करना, ये खाना वो खाना, ऐसे में परेशान स्वयं के लिए, और मुझे समझ में नहीं आता था। पर अभी जैसे जैसे मैंने मेरी समझ स्पष्ट हुई है इन तीनों वास्तविकताओं के प्रति, खासकर दो वास्तविकताओं के प्रति तो मेरी समझ काफी स्पष्ट हुई है, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा जो काम था, मेरी जो व्यस्तता थी वो भी कम हुई है, और बच्चों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन जो था वो बढ़ा है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, सिर्फ उनको एक ऑर्डर ही देती थी कि अब ये कर लो, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे पढ़ लो। मुझे लगता था ये कुछ नहीं कर सकते, मैं माँ होने के नाते मैं ही सब कुछ करूंगी, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपना करने के लिए हूँ, दूसरे का सिर्फ मैं सहयोग कर सकती हूँ, उसका ध्यान आकर्षण करा सकती हूँ, और ये इस तरीके को मैं बच्चों पे कर रही हूँ, और इससे मैं देख रही हूँ कि बच्चों में भी बहुत अच्छी समझने में गति हो रही है, और मैं भी बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, और मेरा समय भी बच रहा है। जो बहुत सारा समय मैं इन बहुत सारी निरर्थक कामों में समझ के अभाव में लगा रही थी और मैं थक रही थी, अभी वो मेरा बहुत सारा समय मेरा बच गया है, जिसको मैं अब सार्थकता में लगा पा रही हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि स्वास्थ्य पे भी काफी अच्छा उसका वो जा रहा है, बच्चों का भी, जो मैं ही सब करती थी, उनका भोजन, उनके कपड़े या उनका स्वास्थ्य का देख रेख, बहुत सारी बाहर की चीजों पे मेरी जो डिपेंडेंसी थी वो मेरी कम हुई है। अभी हम अपने आप में उसको सही समझ के साथ काफी हद तक उसको हल कर पाते हैं, और बच्चों को भी एक प्रस्ताव के रूप में ये बात को रखते हैं, तो वो भी, उनकी भी काफी गति हुई है, चाहे वो श्रम को लेके हो, एक एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी पे समझ में उनको आ रही है, वो जिम्मेदार बन रहे हैं, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो काम हो, या स्वास्थ्य हो, या बाहर का व्यवहार, या जो भी, इस पर ये मेरी इतनी गति बनी है। सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो ये तो मुझे काफी स्पष्ट हो रहा है कि सुख प्रभाव नहीं है, सुख स्वभाव ही है, और क्योंकि प्रभाव में कोई निरंतरता नहीं है, और जो सुख है वो निरंतर चाहिए, सेल्फ की को चाहिए, तो यहाँ तो निरंतर वाली घटना है ये, तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि प्रभाव से तो सुख होता नहीं है, सुख तो स्वभाव में है। और बाकी उसमें जो मेरी भागीदारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ज्यादा से ज्यादा समय मेरा भागीदारी के लिए है, क्योंकि अब मेरी स्पष्टता बन गई है कि मुझे यही करना है, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यही मेरे जीने का मूलभूत आधार है। तो अब मेरी स्पष्टता जब से बनी है, तो मेरे घर पे या मेरे केंद्र में वो आया है कि दिन भर उसी पे ही ध्यान मेरा बना रहता है, अधिकांश समय इधर उधर ज्यादा नहीं जाता, और इससे ये देख पाती हूँ कि वो बच्चों का भी काफी हद तक सेट हो रहा है। जो भी मेरे संपर्क में आते हैं वो भी उसी तरह से जीना देख के, या बातचीत जो भी संवाद होता है, तो संवाद के केंद्र में चूंकि संबंध व्यवस्था से अस्तित्व तो का ही एक ध्यान मेरे में बना रहता है, उसी को और आगे समझने का और करने का, तो इस पे तो मेरा ज्यादा समय, जितना भी मेरे से निकलता है समय भी अब मेरा काफी बचने लगा, क्योंकि जो
और भी गैर सार्थक चीजें थी वो कम हुई हैं, जहाँ मेरा ज्यादा समय लगता था समझ के अभाव में वो कुछ मेरा बचा है। सुविधा का भी एक आकलन हर दिन चलता ही रहता है और शुरू से लेके अभी तक काफी उसमें अच्छा प्रभाव आया है। हम लोग जो कि गणेश सर के परिवार से शुरू से ही जुड़े रहे, तो सुविधा का तो एक बहुत ही सटीक आकलन UHB मॉर्निंग सेशन से भी पहले हम लोगों को था और शायद ज्यादा था, और उस पर हम लोगों ने काम किया है और वो काफी स्थापित हुआ है। तो और स्वयं को समझने के लिए ही ज्यादा समय लगा रहे हैं, क्योंकि समझना तो स्वयं को ही है और शरीर को भी। यदि स्वयं हमें सेल्फ को हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो सेट हो पाती हैं, जो जीने का लक्ष्य है सुखपूर्वक निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए जो ये अभ्यास हम कर रहे हैं ये हमारा सेटल होता है, तो मैं देखती हूँ कि शरीर के साथ भी अच्छे तरीके से कार्यक्रम बन जाता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पहले तो मैं शरीर को भी शरीर को भी अभी समझा है इस UHB मॉर्निंग सेशन के बाद से, शरीर को बहुत अच्छे तरीके से भी समझ पाए हैं, पहले तो समझ नहीं पा रहे थे, तो अभी इस तरह से मेरी गति हुई है। बस मेरी इतनी ही शेयरिंग थी, नमस्ते, धन्यवाद सभी को। जी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग थी, बहुत ही सारगर्भित, और आप काफी गंभीरता से लगी हुई हैं परिवार के साथ गति कर रही हैं। और मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ भी आ रही है। और जिस तरह से आप भगवान सिंह जी बच्चे साथ में जुड़कर ग्राम स्वराज योजना के लिए भी काम कर रहे हैं, पूरे समाज के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, काफी प्रेरणादायक है पूरे समाज के लिए। और अभी जिस तरह से आपने एक एक बिंदु पे अपनी बात रखी, उससे भी दिख रहा है कि आप काफी गहराई में अपने ऊपर काम करने का प्रयास कर रही हैं, अपने भाव में परिमार्जन के लिए या जो संवेदनाओं का प्रभाव है उससे निकल कर अपने स्वभाव में जीने के लिए। तो बहुत ही सुंदर दीदी जी। भैया नमस्ते। भगवान सिंह जी की शेयरिंग सुनते हैं। जी जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते, बहुत ही जी, नमस्ते जी। मैं अपनी शेयरिंग प्रारंभ करता हूं। तो मैं भगवान सिंह परमार हूं और एक गांव है कैथोकर जहां मेरा जन्म हुआ, जो छतरपुर जिले में है। और बचपन से गांव में रहने का और प्राकृतिक जीवन शैली के साथ जीने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी जो है गांव में सरपंच हुआ करते थे और वो न्याय के लिए जाने जाते थे, तो न्याय के रूप में मुझे समाज दिखा शुरू से ही जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैंने पंचायतों को सुना है तो हमेशा उसी वातावरण में पला। और पिताजी न्याय के लिए काफी जिम्मेदार रहते थे, यदि खाना भी खा रहे हैं वो और किसी के यहाँ कोई विवाद या झगड़ा हुआ है तो वो भोजन छोड़ के और उस व्यक्ति को बचाने जाएंगे। तो मैं अपने को गौरवशाली मानता हूँ कि मैं ऐसी पिता की संतान हूँ जहाँ समाज दिखाई देता था, खुद की जो है वो बहुत ज्यादा समस्या नहीं रहती थी। यदि समाज में कोई न्याय स्थापित होना है और मेरी कोई जरूरत है तो मैं उसके लिए काम करूंगा। दूसरा सौभाग्य मुझे ये प्राप्त हुआ कि मैं गांव में पैदा हुआ था तो प्राकृतिक परिवेश के साथ हमेशा रहा और वो आनंद उसका लेता रहा। फिर मैं एजुकेशन में गया और एजुकेशन में भी चूंकि मुझे भेजा गया तो वहां मुझे लगा कि यहाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा, और शहरीकरण में मित्रों का रहना ये सब मैंने देखा, तो मैं धीरे धीरे उसकी समझ बनी। लेकिन सौभाग्य से मैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहां मुझे गणेश सर जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं उनके साथ रहा भी। वहीं से मेरी एक समझ बनी कि सर इतने एनर्जेटिक क्यों है और सर ऐसा क्यों सोचते हैं, इतने साधारण क्यों रहते हैं, और मेरा वहां से कनेक्ट हुआ और वो कनेक्ट आज भी बना हुआ है कि मैं लोगों के बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन मेरे लिए
मेरा एक ही गुरु है और वो है श्री गणेश बगैया, जिनसे मैंने हमेशा बहुत कुछ सीखा और अभी भी मैं उनके पास ही कोई अगर कोई मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो मैं उत्तर लेने उनके पास ही जाता हूँ। तो ये मैंने अभी अपना एक शॉर्ट परिचय दिया। अब मैं सीधा स्टेप पर आता हूँ। तो अगर मैं स्टेप की बात करूं तो स्टेप एक वो तकनीकी है जो स्वयं की ओर इशारा करती है कि मुझे स्वयं को समझना है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही निर्णय ले रहा हूँ। तो ये तकनीकी जिन प्रणेताओं ने इसे विकसित किया और बागैया सर ने इसके लिए जो ऊर्जा लगाई या इस टीम ने जो ऊर्जा लगाई, निश्चित ही ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। सबसे पहले तो इस तकनीकी को विकसित करने वाले प्रणेताओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि इतनी अच्छी तकनीकी विकसित हुई। अगर स्टेप एक, अभ्यास एक और अभ्यास दो को कोई भी व्यक्ति समझदारी के साथ अगर इसका मूल्यांकन कर ले तो वो जिम्मेदार हो जाता है कि मुझे स्वयं पर ही काम तो करना ही है, बाहर कोई काम होना नहीं है। तो वो मेरे साथ भी हुआ। 19 में ये तकनीकी मुझे गहरी से समझ में आई। पहले मैं किसी इनके पार्ट पर काम कर रहा था लेकिन काम मेरे में ही होना है, ये बात मुझे बहुत गहरे से पकड़ में आई। अन्यथा मैं भी कहीं बाहर बहुत ज्यादा हाथ पैर चला रहा था, देश की व्यवस्था बदल जाए, पर्यावरण के लिए काम हो जाए, बहुत से तालाब बन जाए, बहुत सा पेड़ लग जाए, और मैं बाहर जो बहुत ज्यादा ठीक करने का प्रयास कर रहा था वो मेरा समिट कर सबसे पहले खुद पर काम करने का मन बना, और वो मन बनना इस तकनीकी का ही इस पर श्रेय है। स्टेप एक की बात करूं तो मुझे अपने अंदर जाना है और मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है इसको बगैर किसी बाधा पहुंचाए मुझे उसे देखना है, और जैसा भी चल रहा है एज इट इज उसे देखना है। तो जैसे ही मैंने स्वयं में देखा कि मैंने देखा कि मैं सुखी दुखी हो रहा हूं और मैं इस सुख कभी सुख में हूं कभी दुख में हूं, तो फिर आगे का जो स्टेप है उस पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि ये जो सुख दुख जो मेरे अंदर आ जा रहा है इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो पहले तो यही लगता था कि बाहर की कोई परिस्थिति ले रही है या मान्यताओं से ये निर्णय आ रहा है, लेकिन जब उसे बहुत गहराई से देखा तो मुझे पता चला कि इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूं, अतः इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। मतलब सुख दुख का जो जिम्मेदार है मैं स्वयं हूं, इसके लिए बाहर की कोई परिस्थितियां या बाहर की कोई कोई भी कारण जिम्मेदार नहीं है। फिर मैं जब इसके आधार को जांचने गया तो मैंने देखा कि मैं जब स्वभाव में होता हूं तो मेरी स्थिति अलग होती है और जब मैं किसी मान्यता या उससे वो होता हूं तो मेरी स्थिति अलग होती है। और मैंने जब स्टेप 6 को देखा कि मुझे संबंध पसंद है कि विरोध पसंद है, मुझे व्यवस्था पसंद है कि अव्यवस्था पसंद है, मुझे सह अस्तित्व में रहना पसंद है या संघर्ष पसंद है, तो उसमें भी बड़ा निर्णय निकल के आया कि मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में जीना ही मेरा स्वभाव भी है और मुझे पसंद भी है। और जब मैं स्वभाव में होता हूँ तो मैं बहुत ही अपने को स्वभाव गति में होता हूँ और मैं सहज होता हूँ। तो स्टेप 7 में मेरा ये मन बना कि मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को बहुत गहरे से समझना है, और इसको समझ करके जैसे जैसे मैं अपने स्वभाव में जीऊंगा वैसे वैसे मैं लगातार अपनी सुख की जो निरंतरता है वो कायम रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो निरंतर सुखी रहने के लिए हुआ है और ये तकनीकी जो है मुझे सुख की निरंतरता के दर्शन कराती है। तो ये एक अभ्यास से एक पर मैंने बात रखा। फिर मैं जब स्टेप 2 पर गया तो मैंने देखा कि मैं हूं और शरीर है और दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। शरीर जो है इनमें जो मैंने बहुत गहरे से देखा कि इनमें संवेदनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और संवेदनाएं संकेत के माध्यम से मेरे पास या सेल्फ के पास आती हैं
और इसका अंतिम निर्णय जो है वो सेल्फी लेता है। तो इसके आदान प्रदान को देखा और इसमें ये भी देखा कि जब ये जो जो सूचनाएं आ रही हैं, ये सूचनाएं मुझे जो है वो मेरे अंदर क्या क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं। जब मैं सहज होता हूं तो क्या क्रिया होती है, और जब मैं असहज होता हूं तो क्या क्रिया होती है। तो मैं देखता हूं कि मैं जब स्वभाव में होता हूं तो मेरी जो बाहर से अगर कोई विरोध भी आए तो मैं स्वभाव में बना रह सकता हूं। तो इसमें स्टेप 5 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाहर से कोई भी कितनी ही संघर्ष की या विरोध की सूचना आए, अगर मैं उसे अर्थ सही देता हूं तो मैं उस अर्थ के आधार पर ही मेरी स्थिति तय होती है कि वो अर्थ क्या है। जैसे मैं कल का ही स्वयं का उदाहरण देता हूं कि कल मुझे जहां मस्तिष्क रहता है या जहां सिर का वो हिस्सा जो महत्वपूर्ण है वहां मुझे कुछ लग गया तो ब्लड आने लगा। तो जब उसमें ब्लड आने लगा तो मुझे वो देख करके कोई भी प्रकार का मुझे बहुत मैंने किसी कोई अर्थ नहीं दिया उसे। और लोग आए, उनने कहा कि इसमें आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई अर्थ ही नहीं दिया उसको और उसको बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं माना। मेरे को जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। तो यहां मैं ये भी समझ पाया कि दुख और दर्द दो में अंतर क्या है। दर्द शरीर में है, बहुत क्षणिक है, और दुख जो है वो बार बार कल्पनाशीलता में है, अर्थ देने में है। तो मैंने उसे कोई अजब अर्थ नहीं दिया। हाँ, एक बार जरूर रात में मुझे लगा कि कहीं ये यहाँ लगा हुआ है, मुझे कहीं सीटी स्कैन करवाने की जरूरत तो नहीं है। तो जैसे ही मेरे अंदर ये विचार आया कि फटाक से मेरे अंदर पूरा थोड़ी देर के लिए सहरन जैसी दौड़ गई, क्योंकि मैंने उसे अर्थ दे दिया। तो मैं ये देखता हूं कि बाहर से आई हुई जो संकेत है, जो सूचनाओं के माध्यम से आते हैं, उसको मैं अर्थ क्या दे रहा हूं। यहां पर ही सारा इस पूरे सार सत्र का या इस पूरे स्टेप का सार छुपा हुआ है। यदि मुझे बाहर से चाहे जितना ही विरोध की सूचना आए, चाहे जितनी ही संघर्ष की सूचना आए, चाहे जितनी ही घटनाओं की सूचना आए, अगर मैं अर्थ देने की कला विकसित कर लिया तो मेरा काम हो गया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये बहुत हद तक कला मुझ में विकसित हो गई है, और अब मैं किसी भी समाज में जाकर, किसी भी विरोधी से विरोधी समाज में जाकर के वहां की पंचायतें निपटा पा रहा हूं, वहां न्याय कर पा रहा हूं। और मैंने तो बहुत से प्रैक्टिकल रूप से 10-10, 20-20 मर्डर किए हुए लोगों के बीच में भी मैंने प्रेम का भाव इस विधि के आधार पर जगा दिया। तो आज मैं आप सबको गौरवपूर्ण ढंग से बताना चाहता हूं कि अब मैं समाज के हर वर्ग से इंटरेक्ट हो पा रहा हूं। बस में भी अगर कोई झगड़ा हो रहा है, मैं उसे शांत करा पा रहा हूं, और बगैर किसी विरोध के सबको सत्य की ओर इंगित कर पा रहा हूं। तो ये इस स्टेप पे मेरा बहुत काम हुआ। स्टेप 6 भी वही बात करता है कि मैं जब अपने स्वभाव में होता हूं तो मैं स्वतंत्र होता हूं, और जब मैं बाहर से किसी आई हुई सूचना को का आधार अगर मेरे पास नहीं होता है तो मैं परतंत्र हूं। और स्टेप 7 पे अगर मैं जाऊं तो मैं भी शून्य में बना हुआ हूं, शरीर भी शून्य में बना हुआ है, और शून्य भी अपने आप में एक वास्तविकता है। तो शून्य और मेरे और शरीर के बीच में क्या संबंध है, इसे जैसे जैसे मैं देख पाऊंगा तो एक विराट में मैं शून्य और इसके सबके संबंध को देख पाता हूँ। तो मैंने ये देखा प्रैक्टिकल रूप से भी, अब मैं वहां पहुंचा हूं कि मैं जो संबंध है, व्यवस्था है और सह अस्तित्व है, इसे अब मैं यूनिवर्स के लेवल पर देख पाने का क्षमता वहां तक मैं पहुंच रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा संबंध सभी से है, मेरा संबंध शून्य से भी है, मेरा संबंध जो व्यवस्था है उससे भी है, और मेरा संबंध जो है वो जो जो मानव मानव से भी है। तो मैं मानव मानव में संबंध देख पा रहा हूँ, मानव और सृष्टि में संबंध देख पा रहा हूँ,
मानव और व्यवस्था में, मानव और शून्य के बीच भी मैं संबंध को देख पा रहा हूं। तो ये मेरे में स्पष्टता बनी है, जो मेरे में स्पष्टता बनी है, जो मेरे आचरण में आया है, उसे मैंने उकेरना शुरू किया है। और आप सबको बहुत हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत से परिवारों को जोड़ने का काम किया है। तो जैसे ही ये सेल्फ मुझे समझ में आया, स्वयं समझ में आया, ये बात टुकड़ों टुकड़ों में जितनी भी आई थी, तो उसके लिए मन तो मेरा करीब 25 साल पहले बन गया था। उसको लेकर मैंने नौगांव में एक सेंटर बनाने का, जो माननीय गणेश बागैया जी के ही मार्गदर्शन में बना था, उसको बनाया था। अब वो एक रूप लेने लगा है और उसमें जो है, पहले तो हमने वही काम किए जो समाज में चल रहे थे, लेकिन अब मानव में कला कैसे विकसित की जाए और मानव में तकनीकी कैसे विकसित की जाए, वो भी जीने की तकनीकी। तो मानव में जीने की कला आ जाए, मानव में जीने की तकनीकी आ जाए, इसके लिए प्रत्यक्ष काम यहाँ होने लगा है। और मैं जहाँ अपने परिवार में ये बात समझाने में सफल हुआ हूँ, जब से मेरी पत्नी का सहयोग मिला, मैं अब कई गुना काम कर पा रहा हूँ और उनने भी इसके लिए मुझे मुक्त कर दिया है। तो मैं अपनी पत्नी को भी बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूँ कि उनने मुझे समाज के लिए खुद भी वो अर्पित हुई है और मुझे भी कर पाई है। मैं अपने बच्चों की भी बात करूं तो मेरा बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा ज्यादातर तब मेरी सारी बातें तब सुनता रहा जब मेरे अंदर देश की व्यवस्था बदलने का शौक हुआ करता था, पर्यावरण में बहुत काम करने का शौक हुआ था। तो वो उसमें अभी गया है और वो एक पॉलिटिकल चिंतक के रूप में उभर के इस देश के सामने आएगा आगे काम करने के लिए, उसके वो प्रयास कर रहा है। उसमें भी UHB समा गई है, तो वो खुद की चिंता ना करते हुए समाज को ही ज्यादा देख पा रहा है। मेरा सेकंड बेटा अभी 31 को शेयरिंग करेगा, मेरी बेटी ने अभी शेयरिंग की, तो मेरे परिवार में अब UHP बेस खिलने का जो काम है वो देख करके मैं बहुत ही इस विधि के प्रणेताओं को शुभकामनाएं भेंट करता हूँ कि उनने इतनी अच्छी विधि दी है जो वास्तव में मल्टीप्लाई होती है, जो वास्तव में कोई गुरु चेले नहीं बनाती बल्कि सक्षम बनाती है। तो मैं भी अपने यहाँ इस काम को शुरू किया हूँ और मैंने लगभग साल में 100 परिवारों तक इस मैसेज को भेजने का काम किया, जिसमें 20 परिवार मेरे से प्रत्यक्ष जुड़े। और सर ने स्वत स्वतंत्रता और स्वराज के समूह का गठन करवा के मेरी गति को और बढ़ा दिया है। तो स्वत क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वराज क्या है, इसका डिस्कशन लगातार गांव में जाने लगा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवारों में अलग अलग ढंग से मैं कई प्रयोग कर पा रहा हूँ। एक तो कई परिवार, कम से कम 5 परिवार जिनमें पति पत्नी विवाद थे, उनको मैंने सुलझा करके और UHB से जोड़ दिया और वो प्रत्यक्ष हम लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक प्रेमी जोड़ा जो मेरे से संपर्क में थे और साल भर से कह रहे थे कि मेरा शादी करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए, तो मैं कहीं पहले तो मना करता रहा, लेकिन बाद में जब लड़की ने कहा कि ये आपस में एक दूसरे में रह नहीं पाएंगे और ये डेथ भी हो सकती है इनमें, तो मैंने उसमें साहस दिखाते हुए उस जोड़े की शादी भी कराई। और उनको अब मैं वास्तविक जो यूनिवर्सल लव है उधर ले जा रहा हूँ। तो लगातार उनका सेशन चल रहा है और वो बहुत जल्दी ही इस समाज के सामने होंगे कि प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब सिर्फ शरीर से जुड़ा है, प्रेम का मतलब सिर्फ वस्तुओं से जुड़ा है, प्रेम का मतलब सिर्फ संवेदनाओं से जुड़ा है, या प्रेम का मतलब पूरे यूनिवर्स से लव इससे जुड़ा है। तो वो ही बच्चे खुद बहुत ही उनकी प्रोग्रेस है खुशी और संदीप, और बहुत जल्दी वो समाज को अर्पित होकर के और पूरी तरह से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझकर, और वो इसी विषय पर काम करेंगे कि हम आखिर देख क्या रहे हैं, अभी हमने कितना देखा है और हमको कितना फैल कर देखना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब फैल कर सृष्टि को देख पा रहा हूँ, फैल कर समाज को देख पा रहा हूँ और फैल कर मानव मानव संबंध को देख पा रहा हूँ। तो ये मेरा फैलने का काम बढ़ा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जेल में मैंने शिविर लिया था 15 दिन का, और उसमें जो बंदियों में परिवर्तन आए
उससे मैंने एक मांग मध्य प्रदेश शासन को भी रखी है कि इनको सुधार गृह के रूप में बनाया, जेलों को सुधार गृह के रूप में कन्वर्ट किया जाए और इसमें यूएचबी के लिविंग सेंटर खोले जाए, क्योंकि जेल में जितना अच्छा चैतन्य को समझने का वक्त है उतना अच्छा वक्त तो बाहर भी नहीं है। इन परिस्थितियों को मैंने जेल में 15 दिन रहकर देखा है कि जेल बहुत अच्छे सुधार गृह हो सकते हैं और वहाँ चैतन्य को समझने का बहुत अच्छा काम हो सकता है, तो जेलों पे काम किया। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा 10 बीघे का जो जगह है इसको मैंने सेंटर के रूप में सजाया है, तो जहाँ यहाँ वृक्षीय खेती, जड़ी बूटियों की खेती, आवर्तनशील खेती और खेती के विभिन्न तरीके हैं, वहाँ पानी को कैसे बचाया जाए और स्वावलंबन को कैसे प्राप्त किया जाए और हमारा शुद्ध भोजन कैसे हो, तो मैं अपने भोजन की शुद्धता को लेकर यहाँ खूब आनंद लेता हूँ। यहाँ आंखों के सामने मेरे भोजन मतलब सब्जियां टूटती हैं और बगल में लकड़ी से खाना बनता है और ऊर्जा आवश्यकताओं से लेकर मैं स्वतंत्रता कैसे महसूस कर सकता हूँ। आज जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी और नेट और ये सारी वातावरण देश में बन रहा है कि अगर नेट को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका मैं प्रैक्टिकल एक व्यक्ति खड़ा हो रहा हूँ जो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर नेट के, बगैर साधारण तरीके से प्राकृतिक जीवन शैली कैसे विकसित की जा सकती है, उसका एक सेंटर नौगांव में डेवलप कर रहा हूँ। और ऊर्जा आवश्यकताएं हमारी क्या हो, भविष्य में पर्यावरण की की आवर्तनशीलता को कैसे बनाया जा सके, धरती को पुनः जो है उसका पुनर्भरण कैसे किया जा सके, पानी बचाने के क्या तरीके हों, यहाँ लगातार इसी का डिस्कशन चलता है और किसानों के बीच में भी लगातार संवाद जारी है। यहाँ के गांव में हम लोग विभिन्न तरीके से कार्यक्रम रख रहे हैं और लगभग अभी तक हमने कई किसानों से इस बारे में संवाद किया। शौक की खेती या प्रकृति और मानव के बीच में संबंध को देखते हुए आवर्तनशील खेती कैसी होगी जिससे प्रकृति की चक्रियता भी बनी रहे और हम स्वच्छ और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकें, उस पर भी काम चल रहा है। मेरे घर का स्वास्थ्य बजट 0 हो गया है, ये आप सबको बताते हुए हम कोई भी ट्रीटमेंट बाहर से नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अस्वस्थ अब बहुत ज्यादा होते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं अंदर से चैतन्य को समझ गया हूँ और चैतन्य के आधार पर मैं अपने शरीर को रख पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब अपने में स्वतंत्रता महसूस करने लगा हूँ। ये काम मैंने अपने पर तो कर लिया है पक्के से। कोरोना के समय पर भी मैं मरीजों के बीच में जाकर काम कर पाया, इसका मेरे पास उदाहरण है। मृत्यु भय मेरा लगभग खत्म हो गया है और मैं निर्भयता जो होती है वो मेरे जीवन में आ गई है और अब मुझे समर्पित होकर के मानव समाज के लिए काम करना है, प्रकृति के लिए काम करना है और परार्थ से परमार्थ की ओर कैसे बढ़ना है, इस पर मैं जीवंत उदाहरण माननीय गुरुओं को समर्पित होते हुए बनना चाहता हूँ और वहां तक मैं पहुंच भी गया हूँ। तो आप सबको गौरवपूर्ण ढंग से बताना चाहता हूँ कि यह विधि है जो संकल्प चाहती है और अगर संकल्प के साथ हम सब इस पे काम करते हैं तो ये जहाँ हमें सुखी बना पाती है वहीं ये औरों के दरवाजे भी खोलती है। तो मेरा दरवाजा खुल गया है, मैं परिवार का दरवाजा खोल पा रहा हूँ और मेरा परिवार अब और अन्य परिवारों के दरवाजे खोल पाएगा, यह संभावना लेकर के एक से अनेक, अनेक से हरेक तक ये बात पहुंचे और परिवार से विश्व परिवार खड़े हों। बागैया जी के परिवार से निकली ये बात और विश्व परिवार तक फैले, इस विश्वास के साथ हम लगातार यूएचबी के साथ खड़े हैं और यूएचबी में मैं कितना समय दे पाऊंगा ये शब्द मुझे शायद ठीक नहीं लगेगा। यूएचबी के लिए मैं 100% समर्पित हूँ। मेरा तन मन धन या मेरी भावना 24 घंटे अब यूएचबी के लिए ही है और शायद मुझे लगता वक्त हो गया होगा। तो मैंने और कई सेक्टर पर काम किया है, परिवार सभाएं यहाँ आयोजित हुई हैं, यहाँ आयोजन स्थल बना रहा हूँ जिसमें यूएचबी बेस अभी हमने रिंग सेरेमनी की है और पूरे जितने भी लोग आए थे, लड़की वाले लड़के वाले सबने पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और मानव रिश्ते संबंध के रूप में कैसे हों, क्योंकि एक अभाव महसूस करता हूँ। शादियां हो रही हैं लेकिन
उनके बने रहने की कोई गारंटी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि दोनों अपना अपना एक आक्रामकता या विरोध लेकर आए हैं। तो परिवारों में संबंध कैसे फैले, इस पर हम लोगों ने परिवार सभाएं आयोजित की और हर इतवार को 2 घंटे की परिवार सभा होती है, जिसमें आसपास के 20 गांव के लोग आना शुरू हो गए हैं। इस सब में हमें आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन, और आप सब यहाँ आए और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हम लोगों के द्वारा सेवा का आनंद लें, और हम सबको आमंत्रित करते हैं। इसी के साथ मैं वक्त की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अभी अपनी बात को पूरा करता हूं। सभी को मेरा नमस्ते। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक शेयरिंग भैया। जी बहुत ही बढ़िया, आज तीनों शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, संगमित्रा जी की, अरुणा जी की और भगवान सिंह जी की। और भगवान सिंह जी जिस तरह से निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और धीरे धीरे आपकी गति बढ़ती जा रही है और समाज में भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो पूरे समाज के लिए भी एक उपकार है। और मुझे लगता है कि आप मॉर्निंग सेशन में आगे भी जुड़े रहेंगे, जिससे वास्तविकता को देखने में और गहराई भी आएगी और जीने में और विस्तार भी आएगा। भैया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत पहले यहाँ आए, और जो 1998 में आपने शिविर लिया यहाँ, तो आप सबके सहयोग से ही ये सब हो पा रहा है, इसके लिए सबके प्रति कृतज्ञता।